मार्च है ये कोई सियासत के लिए नहीं, ये कोई इलेक्शन के लिए या कोई जाति मफादात उनके लिए नहीं, इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं, इस मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर ना हो। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सादिक ग्यारहवीं और मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंडस न्यूज़ वन। नाज़रीन, आज कल सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया था वो कल से लाहौर से उसने इफ्तिताह कर दिया और इस्लामाबाद की तरफ अपने लॉन्ग मार्च को लेके गामजन है। तो इस लॉन्ग मार्च से क्या नए पेशरफ होंगे वो आपको दिखाएंगे और इस लॉन्ग मार्च से क्या डेवलपमेंट होने वाली है और क्या इसमें ऊंच नीच होंगे और कौन गिरेगा कौन आएगा, मैं आपको दिखा दूँ कि लोग जोक दर जोक इसमें शामिल हो रहे हैं और इतना बड़ा हुजूम है और बड़ा जो लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो हाले जो एक उनका अपना जो बंदा था उसने बयान दिया था कि ये लॉन्ग मार्च लोगों ने उसको तरफ मुस्तरद कर दिया है और लोगों ने कहा इसे कुछ भी नहीं है, ये पुरअमन एहतजाज है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें हमारी फैमिली निकली है, हमारे बच्चे निकले हैं और अब बूढ़े निकले हैं, औरतें निकली हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये पुरअमन एहतजाज होगा। तो इमरान खान ने जो अपने लॉन्ग मार्च का इफ्तिताह कर दिया है वो पुरअज़म है और तमाम जो सूबाई और जो वफाकी जो वज़रा थे उसके साबिका वो बिल्कुल उसके साथ कंटेनर पे नज़र आ रही है। आप मेरे हक़ में देख सकते हैं कि इस लॉन्ग मार्च पे तमाम तरह जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो बाहर की हुकूमतें हैं वो उन सबकी नज़रें हैं कि ये लॉन्ग मार्च कितना बड़ा लॉन्ग मार्च होगा और इसमें क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ तब्दीली आने वाली है। तो इमरान खान ने जो ऐलान किया था और हुकूमत को शश उपज में रखा था कि मैं धरने का ऐलान कर रहा हूँ, बिला आखिर उसने जुमे के दिन लिबर्टी चौक से अपने जो लॉन्ग मार्च था उसका इफ्तिताह कर दिया है। इस टाइम वो लाहौर के जो मजाफात में अपने लॉन्ग मार्च को लेके गामजन है इस्लामाबाद की तरफ, तो देखते हैं इसमें क्या नया कुछ होने वाला है। तो ये हम आपको बता दें कि जो लॉन्ग मार्च है इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। तो इस लॉन्ग मार्च के बारे में इंशाल्लाह हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेंगे और देखते हैं कि इस लॉन्ग मार्च से क्या आगे पेशरफ्त होने वाली है और लोग कितना हुजूम इसमें जो उधर जो शामिल हो रहे हैं। लगता है ऐसे कि इमरान खान का जो बयान है वो बिल्कुल सबमिट हो चुका है लोगों के दिलों में और लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया है। तो नाज़रीन, लॉन्ग मार्च के ऊपर सब लोगों की नज़रें हैं, पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं, जो बाहर के जो हुकूमतें हैं उनकी भी नज़रें हैं कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो कितना कारामद साबित हो सकता है इमरान खान के लिए। तो हम इस लॉन्ग मार्च से आपको अपडेट आ रही है, आप मेरे हक़ में देख सकते हैं कि उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। एक हाथ अगर कोई नहीं है तो वो उस वजह से नहीं होगा कि वो इमरान खान का साथ नहीं है, उसकी अपनी कोई घरेलू ज़रूरियात हो सकती है या कोई पर्सनल ज़रूरियात की वजह से वो शामिल नहीं हो सका है उसका जो सरगर्म रुकन है। तो ये इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च पे सबके नज़रें थे, तो हमने भी आपको अपडेट रखना है, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और आप लोग देखेंगे तो आप लोगों ने भी अगर हमारे साथ रहना है और आप लोगों ने अगर नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जो नई आने वाली वीडियोज़ होंगे वो आपको आसानी नज़र आए। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग, इंशाल्लाह जल्द आपको दूसरा नया व्लॉग लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। ये जो मेरी मार्च है ये कोई सियासत के लिए नहीं, ये कोई इलेक्शन के लिए या कोई जाति मफादात उनके लिए नहीं, इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं, इस मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर ना हो, ना लंदन ना वॉशिंगटन, इस मुल्क के फैसले पाकिस्तान में हो और पाकिस्तानियों के लिए हो। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिधर इस्लामाबाद में उन्होंने इजाजत दी है हम सिर्फ उन इलाकों में जाएंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा महंगाई इस इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत ने किया। अगर वो ये समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे,
गौर से सुन ले, ये कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, चोरों को नहीं कबूल करेगी। हमारा मुल्क है, हम आम चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हों। अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगौड़ा नहीं हूं। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। मैं साफ और शिफाफ इलेक्शन चाहता हूं।